अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश। और मैथ्स का यानी कि मेरा इंतजार कर रहे थे, सो नाइस ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे आप मुझे लाइक करते हैं वैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को लाइक करती हूँ। एंड स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स होमवर्क करते हैं उनको तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मेरे सारे स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कभी नहीं छोड़ते। वेरी गुड, शाबाश। हमने एडिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, आपने ज़रूर किए होंगे और आपको और भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से ऐड करना है। आज हम कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं, तो आए पेज नंबर 53 को ओपन करें अपने बुक पे और पेंसिल्स शार्प रखें और एक रफ कॉपी अपने सामने रखें, रफ वर्क के लिए, काउंटिंग के लिए, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, उठ के कहीं जाना ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, आए देयर इज सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस, और सब्ट्रैक्शन सम्स करने के लिए हमें क्या करना है? देयर इज द फर्स्ट नंबर इज 94 माइनस 42। 94 में से 42 नंबर्स को माइनस कर देना है, निकाल देना है, और निकालना तब आसान होगा जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यानी कि जो जैसे ऐसे सीधे नंबर्स लिखे हुए हैं उनको वर्टिकल में लिखें। पहले भी मैंने आपको समझाया था और एडिशन में भी हमने ऐसा किया था कि वंस के नीचे वंस नंबर लिखें, टेंस के नीचे टेंस नंबर लिखें, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये करने के लिए आप यहाँ पे बुक के साइड पे ही अपने पेंसिल से इसको लिखें या फिर किसी रफ पेज पे इसको सॉल्व करें, और आंसर जो है इस स्मॉल बॉक्स में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आए करते हैं। 94 एंड 42 को आपने इस वर्टिकली इस तरह से लिख लिया है। ओके, तो हमारे पास आया है 4 के नीचे 2, सो 4 माइनस 2 वन बाय वन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। चार नंबर में से दो नंबर हम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? द रिमेन टू नंबर। ओके, सो 9 माइनस 4, अगर 9 फिंगर्स में से 9 फिंगर्स में आउट कर लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, 9 फिंगर्स में से हम 4 फिंगर्स आउट कर लेंगे तो क्या रह जाएगा? द सिंगल हैंड एंड द 5 फिंगर्स। तो यहाँ आंसर क्या आ गया? 5 to 52। शाबाश, वेरी गुड, बॉक्स में लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे करते हैं, 36 माइनस 22। तो 36 को भी उसी तरह से आप लिख लीजिए, 36 माइनस 22। सो 6 माइनस 2, वन से वंस माइनस, जैसे वन से वंस प्लस हो रहा था वैसे वन से वन माइनस होता है और टेन से टेंस माइनस होता है। ठीक है, सो 6 माइनस 2 गिव्स यू 4 एंड 3 माइनस 2 गिव्स यू 1। ओके, सही, तो आंसर क्या आ गया? 14 इज द आंसर, शाबाश। नेक्स्ट क्या है? 7 to 73 एंड 3 3 33। तो 3 को 3 के नीचे रखेंगे, 7 को भी 3 के नीचे रखेंगे, 3 फिंगर्स हैं या 3 रुपए हैं, 3 रुपए की चीज खाली, खत्म हो गए तो क्या बच जाएगा? नथिंग, जीरो। सो 3 माइनस 3 गिव्स यू 0 एंड 7 माइनस 3 गिव्स यू 4। ओके, ठीक है, आगे चले, आगे मेरे साथ साथ कर रहे हैं, शाबाश। 8 7 87 एंड 5 1 51। 87 में से 51 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, इस तरह से नीचे लिख लें, 7 में से 1 माइनस जाएगा तो क्या बच जाएगा? 6, शाबाश। 8 माइनस 5, 8 फिंगर्स को बाहर निकाल देती हूँ मैं आपके आसानी के लिए, 8 फिंगर्स में से मैंने कितना माइनस करना है? 5 को माइनस करना है, तो हाउ मच रिमेन्स? 1, 2 एंड 3। तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या आंसर आ गया? 36, शाबाश। और आगे चले, आगे चलते हैं, 6 8 6 9 6 9 69 एंड माइनस 2 7 27। ठीक स्टूडेंट्स, और इसी के साथ साथ हम जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस और बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। ठीक है, 6 9 69 2 7 27। सो 9 माइनस 7 गिव्स यू 2। ठीक है, 9 फिंगर्स में से 7 फिंगर्स आउट हो जाएंगी तो कितनी बच जाएंगी? 2 फिंगर्स बच जाएंगी, एंड 6 माइनस 2 गिव्स यू 6 माइनस 2, दोनों थंब को आउट कर देंगे तो कितनी फिंगर्स बच जाएंगी? 4 फिंगर्स बच जाएंगी, तो आंसर विल बी 42। ओके, और इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट पेज पर भी हैं। टेक आउट योर नेक्स्ट पेज ऑफ 54 एंड फोकस ऑन द स्क्रीन, हेयर इट इज।
51 and 11. अगर आपको फिंगर्स में मुश्किल हो रहा हो तो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, चीजें, 10 चीजें अपने सामने रख लें या 9 चीजें अपने सामने रख लें, हमें उसी में से माइनस करने होते हैं। या कोई बीड्स आपके पास हैं या कोई और ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं जो कि जैसे डॉल्स हैं, गुड़िया हैं, छोटी छोटी जो चीजें हों, वो 10 चीजें अपने सामने रख लें। ऐसे जैसे भी 9 चीजें हैं, 10 चीजें हैं, जो भी ऊपर नंबर आ रहा है, पहले वो सेपरेट करेंगे और उनमें से जितनी चीजें माइनस करनी है उनको आउट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी काउंटिंग भी आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखें जैसे हमारे पास है वन, वंस में वन है तो माइनस भी हमें वन करना है। वन में से वन माइनस हो गया तो क्या बच जाएगा? जीरो, खत्म हो गए। 5 - 1 अगर 5 हैं तो 5 पेंसिल्स या 5 पेन अपने सामने रख लें या ज्योमेट्री के कलर्स अपने सामने रख लें। तो 5 कलर्स हैं हमारे पास, 5 में से 1 कलर गुम हो गया, खत्म हो गया, हमें काटना है, माइनस करना है, तो कितना रह जाएगा? 4। शाबाश, वेरी गुड। तो 40 इज द आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट। देयर इज 2 9 29 - 1 7 17। तो क्या करना है? शाबाश, वेरी गुड। वंस में से वंस और टेंस में से टेंस को माइनस करना है। 9 - 7, 9 फिंगर्स में से 7 फिंगर्स आउट हो जाएंगी, या आपके पास जो कलर्स हैं कलर्स में से 9 आउट करें, 9 में से 7 को खत्म कर दें, आउट कर दें, दूर कर दें, तो कितने रह गए? 2 कलर रह जाएंगे। ओके, 2 लिखेंगे और 2 - 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1। सो द आंसर इज 12। जो बॉक्स में आंसर आ रहा है वो बॉक्स में लिखेगा, जो रफ वर्क कर रहे हैं तो हम कहीं और काउंट करेंगे या फिर अपने बुक के साइड पे ही बॉक्स बना के लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन सफाई से करना है, गंदगी नहीं करनी, अपने बुक्स को खराब नहीं करना। अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। 4 7 47 and 3 5 35। 4 7 47 और 3 5 35 को माइनस करना है, तो वंस को वन से, टेंस को टेंस से, 7 - 5 2 दे देंगे, 4 - 3 1 दे देंगे, तो आंसर विल बी 12। और इसी तरह से 8 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, और आगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 9 10 11 12 13 14 and 15। लेकिन है सिमिलरली आसान है, प्रैक्टिस करनी है सब्ट्रैक्शन की, तो ये क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे और खुद से सॉल्व करने के बाद टीचर को बताएंगे कि आज आपने एडिशन की एक्सरसाइज के जैसे सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज की है और होमवर्क क्वेश्चन भी लिए हैं और आपने खुद को इसको खुद से काउंट किया है, सीखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।